टी20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला नीदरलैंड से होना है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ये मैच खेला जाएगा। आज दोपहर 12 बजे इसकी शुरुआत होगी और सबको उम्मीद है, सभी भारतीय फैंस को, कि भारत नीदरलैंड को भी परास्त करके अपने विजयी अभियान की पताका को लहराता हुआ विश्व कप की तरफ और नजदीक बढ़ता जाए। तो बड़ी खबर इस वक्त क्या आपको बता रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैच पर बारिश के भी आसार नजर आ रहे हैं। सबकी प्रार्थना यही है कि इंद्रदेव आज ना बरसे और एक बार फिर जो करोड़ों क्रिकेट प्रेमी है उन्हें एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिले। पाकिस्तान को कूटा, अब नीदरलैंड की बारी। सिडनी साजिश फेल, दिखेगा विराट खेल। जब होगा विराट प्रहार फिर मचेगा हाहाकार। मेलबर्न में पाकिस्तान के खिलाफ रोमांचक जीत दिलाने वाले विराट कोहली से आज एक और मैच जिताऊ पारी की उम्मीद होगी। विराट न सिर्फ जबरदस्त फॉर्म में हैं, बल्कि नीदरलैंड के खिलाफ मैच से पहले उनका मनोबल इस बात से भी बढ़ा होगा कि वो आईसीसी टी20 रैंकिंग के टॉप 10 बल्लेबाजों की सूची में वापस आ चुके हैं। इसी साल अगस्त महीने में विराट 35वें नंबर पर थे, लेकिन शानदार वापसी करते हुए अब वो 9वें स्थान पर हैं। टीम मैनेजमेंट की ओर से मिल रहे संकेतों से साफ है कि सिडनी में नीदरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया के वही 11 खिलाड़ी खेल सकते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में खेले थे। टीम इंडिया का जोश हाई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जिस तरह से टी20 वर्ल्ड कप में अब तक कमजोर दिखने वाली टीमें उलटफेर कर रही हैं, उसे देखते हुए भारत को नीदरलैंड से सावधान रहना होगा। जहां तक नीदरलैंड की टीम का सवाल है, तो उसने क्वालिफाइंग राउंड में शानदार प्रदर्शन किया है। नीदरलैंड के पास कई प्लेयर्स ऐसे हैं जो बड़ी से बड़ी टीम को अपने प्रदर्शन से हैरान कर रहे हैं। नीदरलैंड ने अपने पिछले 4 में से 2 मुकाबले जीते और 2 हारे हैं। नीदरलैंड श्रीलंका के साथ मैच में महज 16 रन से हारी है, तो वहीं बांग्लादेश के साथ हुए मुकाबले में इस टीम की हार मात्र 9 रन से हुई है। ऐसे में इस टीम को हल्के में लेना टीम इंडिया को भारी पड़ सकता है। जहां तक सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की पिच का सवाल है, तो माना जा रहा है कि इस पिच पर बल्लेबाजों का काफी फायदा मिल सकता है, और अगर बारिश होती है तो तेज गेंदबाजों को भी स्विंग मिल सकती है। लिहाजा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला सबसे सही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।